राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय राम। मंगल भवानिया मंगल हारी बिना जमीन को मुआवजा पागो पुजारी। राम सिया राम जय जय राम। देखो प्रशासन के जे जे झमेले छतरपुर एस डी एम बीबी गंगेले। राम सिया राम जय जय राम। हाँ भैया रा राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज वही बेरा की खबर भैया जय ही है। छतरपुर में कलेक्टर एसपी ने आज पत्रकार वार्ता करी और संगे करी दो जन ने और उन दो जन ने मिलके आज जो कही है कि सरकारी जमीनन पे जे को कब्जा कर रहे हो अब वे बचने नहीं है। चाहे ओपी गौतम हो चाहे लाल साहब हो और चाहे वे हो डॉक्टर चौबे, अब कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा करे मतलब ना हो इनके नहीं ले। लेकिन हम कह रहे कैसे ने जो जरूर कही कितो बड़ो रंगशाली हो कितो रंगवाज हो प्रभावशाली हो अब बचे ना सरकारी जमीन उनके बाप की नो सो खाली कराई जाए। दूसरों ने जो भी कही संघ है कह देखो पत्रकारन के अगर कोविड सेंटर में जाने हैं निरीक्षण निरीक्षण करवे तो किट पहन के जाएं ऐसे ना जाएं। और तीसरा जो भी कही संक्रमित अगर आदमी है और वो सोच रहा कि होम क्वारंटाइन हो जाए तो नहीं वो सुविधा जाना मिले वो अस्पताल ही में ले जाओ जाए कोविड सेंटर में। संगे बलात्कार छेड़छाड़ चोरी जुआ लूट धगा धोखा जो भी बदमाशी करे हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो आज कलेक्टर एसपी ने कह दी। सो तनक सुन ले रहे क्या कह रहे भाग्य पर बतकाव कर रहे हैं। आज कलेक्टर एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करी होगी उन्होंने चुपचाप कही है सबसे सब संकेत दे के कही और खुले रूप में भी कही है कि अवैध सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा गुंडा बदमाशन के खिलाफ कार्रवाई और मिलावटखोरन के खिलाफ कार्रवाई जरूर लगातार चलत रहे। लुगाइयन पे महिलाओं पे अत्याचार करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो कौन भी हालत में बख्शू न जाए। एसपी बताओ कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिला बदर और 107-16 सहित अवैध शराब के खिलाफ अवैध हथियार के खिलाफ और अवैध जमीन पे सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा के खिलाफ लगातार कार्रवाई करी जी है। कलेक्टर ने भी कही है कि देखो अब को कितो रंगबाज हो बचे ना देखो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे कौन भी स्थिति में अब प्रशासन चूके ना चार इतना प्रभावशाली हो सो अब जो मानने आए गए लगातार प्रशासन कार्रवाई करे क्या करे करते हैं सुनने लगे जिनका हल्का फुल्का प्रभाव है और जनता को भयक्रांत रखते हैं उनके खिलाफ लगातार एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। लगातार खासकर जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये प्रयास लगातार जारी रहे। महिलाओं के अपराध ज्यादा बढ़ते हैं उसको लेकर क्या योजना है सर? महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जहां पे जो शिकायत करना चाहती है उनकी तुरंत एफआईआर की जाती है परंतु जो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहती हैं या वो छेड़खानी से परेशान हैं वो अपनी जानकारी दे सकती हैं जो कि जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। इसके अलावा अगर अपनी लोकेशन कहीं भेजती हैं जहां पे लगातार छेड़खानी हो रही है तो वहां के जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ा के इस तरीके की घटनाओं को रोकते हैं। सर निर्भया जैसी गाड़ियां कई जगह पे अकेले एकांत में रखी रहती हैं खड़ी रहती हैं लेकिन वो पेट्रोलिंग नहीं करती हैं तो इसको ध्यान दिया जाएगा? निर्भया पेट्रोलिंग में सब इंस्पेक्टर रैंक एक हैं जो प्रभारी रहती हैं उनको भी जो एसओपीज हैं गाइडलाइंस हैं प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत दोबारा से ट्रेन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा जो स्पॉट्स खासकर हम आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे छेड़खानी की अगर एक भी शिकायत आती है तो दिन में कम से कम चार बार वो जाएं भ्रमण करें और सुनिश्चित कराएं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति बिल्कुल न। सर जमीनी विवाद को लेकर किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है? जमीनी संबंधी विवाद में प्रशासन और पुलिस खासकर एक विशेष मुहिम आने वाले समय में चलाने वाले हैं जिसमें खासकर छोटी छोटी विवादों को लेकर बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं उसी के तहत अभी रेड कार्ड दिया जाता है जिसमें ये लिखित में आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारणवश वो शांति भंग नहीं करेंगे और जो प्रकरण उनके न्यायालय में पेंडिंग है तब तक वो शांति बनाए रखेंगे। मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री छतरपुर जिले में गुंडे बदमाश या जो अवैध धंधों में लिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई की है उसके तहत
हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम और पूरे मजिस्ट्रेट्स के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उन्हें मैंने आपको बताया है कि 7 अभी हम लोगों ने एनएसए किए हैं, 11 इन्होंने प्रस्तुत किए थे, 4 पेंडिंग हैं, उनको भी कार्रवाई की, जिला बदर की भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, 3 जिला बदर किए गए हैं और अभी 27 पेंडिंग हैं। मिलावटखोर जो हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो अवैध धंधों में चाहे खाद्यान्न के हों, पेस्टिसाइड्स के हों, जैसे बिजावर है, नौगांव है और कुतवाली एरिया है, वहाँ पर कार्रवाई की। ये कार्रवाइयाँ आगे जारी रहेंगी। मैं ऐसे शरारती तत्वों, ऐसे बदमाशों से जो गुंडागर्दी करके लोगों से पैसे है। भैया जा खबर तो प्रशासन ने कह दी, लेकिन छतरपुर के भाई वीवी गंगे लेना SDM मोटे ताड़े थौंदू मौंदू अच्छे गोल मोलू है भैया वे नौगांव में इतना खा गया कि साथ पेट फूल के फटो जा रहा हो, लेकिन तस्ना कौन मान रही। पहले कम से कम बेहती 83 फफर घूमत तो आती जहन, भले कलेक्टर साहब संगे घूमती, लेकिन घर है ऑफिस में कार्यालय में ना बैठती, चक्कर गिन्नी बनी रहती, काम करती। देखो महिला देखे जे आज पता ही नहीं चल रहा, अब खबर है और छप्पन लगी इनके खिलाफ के इनने एक पुजारी के उनकी जमीन ही नहीं है, राष्ट्र जहाँ से कर रहा हूँ NH बन रहा हूँ उनमें मुआवजा दे दो उन्हें, और जौन पात्र आदमी है चक्कर लगा रहा उनके केस ही नहीं बन रहे, आदमी मरो जा रहा, स्थिति जा है। सो भैया गंगेले जी थोड़ा मटकावे से कछु नहीं, मेहनत करो कछु, देखो या तो आगो या घूरो छोड़ो, हमारे बुंदेलखंड में कही जाते, या तो काम करो हो नहीं तो ऐसे हटो, जो कहो जा छतरपुर में लीसड़ बीसड़ SDM नहीं चाने, तेज तर्राट चाने बे सब काले हते दसते, लेकिन दसत तो आते जो नहीं कुंडी मार के फन पटक के बैठे रहा है बामरी से करते आदमी उनके दसते, भले ही कैसे उनकी कार्रवाई में थोड़ी गड़बड़ी जाती लेकिन करत तो हते कार्रवाई, तो ऐसे ही SDM चाहने तेज तर्रार, देखो सेटिंगबाज नहीं चाहने थे। सो भैया जा हो ये खबर, अगली खबर जा है आज झंझन देवी है ना जो महुआ रोड पे, उत पे एक लाश मिली है, 7-8 दिन पुरानी लाश मिली, चू गई बात तो बिल्कुल हड्डा वड्डा गल गए, शरीर गल गो पिघल गई, मोम जैसी जानवर खा गए तरे से अलग की आया लाश पता नहीं चल रहा, एक गुमसुदगी को मामला जरूर कोतवाली में दर्ज है, सब शिनाख्त तो पहचान के लाने प्रयास कर रही पुलिस, आज पुलिस मौका पर पहुंची, सब वाहन पहुंचे, सब उतरो आगे पंचनामा FSL टीम सब गई और पूरी कार्रवाई करने के बाद सबके PM के लाने भेज दो। अब CSP साहब भी मौका पर पहुंचे थे, उमेश शुक्ला बड़े सीधे सज्जन है, बोले कहा बोले सुन लो तो ना, अज्ञात मृतक की लाश लटके होने की सूचना थाना ओरछा रोड में प्राप्त हुई कि झंझन देवी मंदिर के आगे जो कान्हा देवी कान्हा ढाबा के सामने जो जंगल है वहाँ पहाड़ी पे पेड़ के से एक लटकी हुई लाश है, मर्ग जांच में लिया गया है, FSL पार्टी और पुलिस द्वारा स्पॉट पे जाके देखा गया, नायलॉन की रस्सी से करीब 55-60 वर्ष के व्यक्ति की लाश लटकी हुई थी, जो वहाँ से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच मर्ग जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर और कुछ जानकारी मिली है क्या इस बारे में? अभी मृतक अज्ञात है और इसके आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जाएंगे और जो भी होगा आगे जो जांच पे तथ्य पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। अब जहां देखो भैया स्थिति छतरपुर में जब से SP सचिन शर्मा है तब से लगा था कि बदमाशों के फोन फूट रहे, एक जने अफ्ताब सालू वसीम एक जन के नाम आ जाती, 6 फट के धरे उतने लंबो कट्टा लेके लहरा रहे थे, रंगदारी कर रहे थे मोहल्ले में, बोले तेरी आका तेरी माका तेरी जय, इतने कई सुखों ने बना वीडियो देखा चलियो महाराज जय सालू। अब आप बन गए आलू, आलू को भरता भरा लो पुलिस ने मार मार के पंप फोड़ा रहे, आज दांगी सामान कोतवाली में कौन कमजोर है, पकड़ के तो उन्हें पहले ढूंढो की दही सुटाई, फिर दारू भी लगाई, मतलब दारू पकड़ी दारू के चलते बता रहे थे होते और क्या सुटाई होने के बाद फिर वो जुलूस निकालो उन्होंने बढ़िया तेल काजल करके और इन्हें जेल भेज दो। सो जाए भैया दशा समझ जाओ आदमी के हिसाब से रहने हैं, अब कोतवाली बस अनाउंस कर दो फिर नहीं, आजकल दुकानदार की जावरों कर रही
अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाओ और कैमरा लगे और खोलो मास्क लगा के आ रहा हो तो अपनो मुंह खोलवा के एक बार सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करा लो और सचेत रहो ताकि अपराध ना हो पाए। ऐसा चुंगा लगा लगा के पूरे शहर में कोतवाली की पुलिस अनाउंसमेंट करा रही, मतलब अलग अलग प्रयोग पुलिस कर रही, नवाचार कर रही। पहले पुलिस को जरूर को नहीं देखो। और दो जन ने पुलिस वाले बढ़ियाई करी थी, एक जन से जावेद मिस्त्री से उनकी पेंट बदली, लाइन टचों का जांच अलग शुरू हो गई। सो यहाँ पे एसपी सचिन शर्मा हिसाब से रही हो, नहीं था तुम बन जाओ कर्मा। फिर खूब कातला दिल दिया, जान दिया है और जो वतन बता था कछ नही है, जितने चंदा है सब धरे रहे। सो ये जहाँ खबरें हो गई, खबर जो हम बता रहे थे वह जहाँ चंद्रनगर में भैया आदमी परेशान है। ऊपर वाले की जो स्थिति है, किसान जो है हैरान है यार, हैरानी से है कि ऊपर वालों में तो हैरान कर रहा, पानी नहीं बरसा रहा, तो पानी बरसो से नीचे वाले तेरे लगे सांस के लिए। नीचे वाले क्या कर रहे हैं कि सारो खाद बीज जो चाने सोसाइटी से मिला था वो अब नहीं मिल रहा, को बोवानी करने को की हो गई, को खाद बीज खाद डाल रहे खेतन में, लेकिन सोसाइटी में नहीं मिल रहा, किसान परेशान कर रहे हैं। हमारे खबर ये चंदनगर के रवि गुप्ता भोले वाले हैं, लेकिन बदमाश भी सुनेंगे तो जब खबर बहुत बदमाश खबर लेके आ जाए तो वो ले आओ बोले भाई साहब खबर खाद बीज नहीं मिल रही, आदमी किसान परेशान है। किसान की समस्या आती सब बनने में गई, क्या हम कह दे रहे हैं जिला सहकारी बैंक जी के अंडर में हो जाए खादा दे जाओ, देखो किसान को दिल ना दुखाओ नहीं तो आफत मोल ना लीजिए। कहा से किसान खेल को तो सारे आरोप तुम्हारे खिलखिला दे रहे हो, कोरोना जैसो आदमी और कोरोना जैसो डेथ आ तो आदमी के निकल के चले जाए। सो ये जो खबर हो गई, ये खबर हम जांच जांच जो बता दे रहे हैं कि कलेक्टर तो जितने सक्रिय तो ठीक है, एसपी साहब भी सब जो कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही और को बदमाशी कर रहे हो, महिलाएं चाहती कि हमारी पहचान ना हो, अपनी शिकायत नहीं कर पा रही, तो उनने एक दो फोन नंबर जारी करे हैं और उनने कही है कि इन नंबर पर भैया सीधा हमें बता दो, हम आदमी इनके फोन फोड़ा रहे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं। तो जो नंबर नोट कर लो भैया सज्जन है, दो हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी करे हैं 947947 एक बार है ना 999105 फिर से सुन लो 947999105 और दूसरा है 758761826। ये दो नंबर है, इन नंबर पे शिकायत करो, लोकेशन बता दो या व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन भेज के जानकारी मेरा दे दें। सो पुलिस मौका पे पहुंच के पौधे फोड़ा रहे रामदेव जो मान के चली। अब भैया चार पुलिस अगर रक्षक है तो अपराधी जितने भक्षक है इनको सत्यानाश तय है। अब भैया कहां ध्यान दे, ज्यादा सा है व्यवस्था की, लुगाई ने मर जाती प्रसव पीड़ा में, उन्हें वाहन नहीं मिल पा, जननी वाहन एम्बुलेंस मौका पर नहीं पहुंच पा, लेकिन इतने में छतरपुर में तो इतनी बढ़िया रंगदारी है कि सरकारी गाड़ी है एम्बुलेंस उनपे सवारी ढो जानी भैया, और जो सरकार प्राइवेट वाहन है एम्बुलेंस जो पैसा ले लेके गरीब आदमी के और तो जिला स्तर में ठेकेदारी कर रहे जबरन आदमी के लूट भी लगी। यदि अपन ढाली के पास जाए जब जब गाड़ी रुकी और जब ही मैं सवारी निकली तो आदमी कही अरे जाए एम्बुलेंस में सवारी ढो रहे देखो तो ना। अब जा खबर एक और जा है कि भैया आज जैसे हफ्ता में एक दिन लॉकडाउन हो रहा हो तो अभी आज दिन के चैन नहीं है, ससरे आ रहे घर में साथ बैठते ही नहीं है, पाँव में लोरिया लगो भौरिया लगी बस उठाई गाड़ी बम चक लग के निकल बस और बिना मास्क के। सो आज ऐसे लाल के नेत तो इतने पुलिस ने दाग खाने चौराहे पे दम के चालान बनाए आज दिन के, और पुलिस ने तो जो लो करो कि रास्ता में करो मिल गया उसे रोक के तक चालान बना लो। हमारे ऑटो वाला में ऑफिस तो नीचे भी खड़े जी हैं बैठे थे द्वारे, मास्क ले थे लेकिन लगाए ना थे, द्वारे मोबाइल चला थे, जैसे ही मोबाइल चला रहे सो गाड़ी आई पुलिस की रोकी, सो देख के रह गए ऐसे और बोले कहा मास्क कहाँ, बोले जो है बोले 100 रुपया को चला उनको बन गो। सो जाए स्थिति पूरी कार्रवाई भाई देख ले तनक। चालान है नहीं सर
सोजाती फटाफट कर जितनी जो हती खखो खकार के दे दी हमने। अब हम ले रहे बेला तुम्हारा रात कुंदेल चुगली में फेदा हम ना हो भी जुदा जय राम जी की भैया।